बहुत बड़ी जी गल इतने कर चुके हो थोड़ी देर पहले के पुलिस वाले नाल मुलव्वस सी। हाँ, पुलिस वाले चोरां दे नाल आए ने, उन्होंने डकैती नाल रल के की। हाँ, थी पुलिस वाले ते एडा बड़ा तुसी इल्जाम ला रहे हो, किस बुनियाद ते ला रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा इकबाल। नाज़रीन, कसूर के एक इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे आए रोज भटते हुए जो है चोरी के, डकैती के, ज्यादती के बहुत सारे केस हमें को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज जो केस आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज्यादा अनोखा है कि एक घर में जो है रात के 3 बजे जो 3:10 पे यहाँ पे दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा जब खोला जाता है तो चोर अंदर आने के साथ साथ एक और चीज देखने को मिलती है कि पुलिस वाले उनके साथ खुद अंदर आ रहे हैं। घर आगे सारा घर का सामान जो है वो बिखेर देते हैं। घर में 45,000 रुपए कैश होता है वो भी ले जाते हैं। 4 तोले सोना जेवर जो है वो भी ले जाते हैं। और घर का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि चीजें बिखरी हुई है, आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पाँव में, आप देखते हैं सामान, मतलब सारे घर का सामान जो है वो भी बिखरा हुआ है। उसके अलावा ये एक लॉकर जो है अंदर का, ये आप देख सकते हैं कि इसका लॉक है वो भी तोड़ा गया है। मतलब घर में उदम बचा चुकी है। पीछे आप संदूक देख चुके हैं कि वो भी सारा सामान, कपड़े, ईटीसी वगैरह वगैरह बहुत सारा सामान है वो भी बिखरा हुआ है। मतलब हमारी पुलिस जो है वो चोरों के साथ मिलके खुद इस घर में आई है, सारे घर की तलाशी ली है, जो कुछ मिला है लेके थाने चले गए हैं। मेरे साथ घर वाले मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ, जानती हूँ कि सारा वाक्य क्या है। आप मुझे बताएं क्या हुआ है, मतलब आपके बेटे को जो है पुलिस पकड़ के क्यों लेके गई? साढ़े घर आए ने, बाद च उधर गए ने, उधर जाके उन्हें फाड़ के लाया इधर, उन्हें बन लिया इतने लिया के, उन्हें भी रोला प्रोली ली, लहंगे सटा का काम करता सी तेरा बेटा? हाँ जी, लहंगे सट जाके वे लो अड्डे पे ने, लहंगे सट पे वो भी खड़ा। बेटा कितने रहता है? तेरे घर के नेड़े ही रहता है? हाँ, वे नाल दी साड़ी उधर भी थां है, गेमा दे नाल उत्ते वो रहता, थले गेमा ने 5 बच्चे ने, उन्होंने लाया आए ने इधर बन के, भी उन्होंने भी तलाशी लेना साड़ी भी ले, फिर बन दिता भी कोई फोन ना कर दे किसी ने भी कोई आना या अड़गे, क्योंकि नाल पुलिस वाले सी। पुलिस वाले नाल सी? हाँ, पुलिस वाले नाल। वर्दी दे विच सी? हाँ, वर्दी दो तिना ने वर्दी पाई, बाकी बेन वर्दियां सी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜਵੇਦ ਆ ਕੁਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਤੇ ਅਮਜਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਮਲੂਮ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਜਦ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਜਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 4 ਤੋਲੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ, 4 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹ ਛੋਟਾ 2,500-3,000 ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਰਦੀ ਵੇਖੀ ਪਾਈ ਆਪ, ਆਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਫਾੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਫੁਟੇਜ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏ ਹੈ ਘਰ ਮੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਵਹੀ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕੇ ਜੋ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਵਹੀ ਲੋਕ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਆਮ ਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਏਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਝੇ ਬਤਾਏਂ ਕਿ ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹੁਆ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਨਾ, ਗੁੱਡੀਆਂ 5-4 ਪਈਆਂ ਸੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁੱਡੀਆਂ? ਹਾਂ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਤੰਗ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਨਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, मतलब आपके घर में वो पतंग होने की वजह से लेके गए हैं? अरे बच्चे आ, ओना पार्टियां गुड्डियां फड़ियां ते ओ गुड्डियां दा पर्चा दित्ता, बहुत उथे गल सुन, बहुत दुनिया इकट्ठी हुई थाने दे विच वी, ना जाति करो ना जाति करो, इन्ने गल सुन मेरी बहुत जाति, फिर किसे दी नहीं मन्नी, इन्ने कहे नहीं 9,500 रुपया ले लो, मोबाइल लै जो। ये गल किने गई? ए जी जवेद, जवेद थानेदार आ, कोई थानेदार थानेदार जवेद शेखपुरों कोई आया नवा, उन्हें तो ये किया है कि तुसी जड़ा 4 तोले सोना 45,000 रुपए ना सारे साइड ते लाके 9,000 रुपए ले, जेबर नहीं ना मानते पे, जेबर नहीं मानते पे, आ कहंदे जेबर नहीं असि लगाए, पैसे ल्यांदे आ, मोबाइल ल्यांदे, ले लो अपने। पुलिस वाला मन्ने है? हां जी। थानेदार मन्ने है? हां जी, थानेदार मन्ने है जी।
और इस कमरे का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल किया हुआ है। ये देखे जरा, मतलब इनके घर की जो बहू है उनका ये कमरा है, और ये देखिये मतलब क्या हालात कर दिए। उसकी सारी ज्वेलरी जो है वो बिखरी पड़ी हुई है, यहाँ पे उनका जो पर्स है वो खुला हुआ है, सारा सामान जो है वो सारा बिखरा, मतलब चोरों ने पूरे घर की तसल्ली से जो है ना वो तलाशी ली है। और ये देखे ये जेवर के आपको बॉक्स जो है वो खुले हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारा जो है इन्होंने यहाँ से जेवर निकाला है और लेके चले गए हैं। कमरे का हाल आप चेक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ जो है जिनका कमरा है, जिस बहू का कमरा है वो मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताया कि चोरी कब हुई, कैसे हुई, और ये इतना मतलब जो चोर थे आप उनको जानती थी, किसी से दुश्मनी थी? हम गए हुए थे झांग, मेरे मामू फौत हो गए थे, तो हम पीर वाली रात को गए हैं। मंगल की रात को उन्होंने 3 बजे यहाँ पे चोरी की है, तो मेरे मियाँ के साथ उनकी दुश्मनी है, तो 3-4 साल हो गए हैं दुश्मनी को, तो वो अब तक दुश्मनी निभा रहे हैं। तो दुश्मनी की वजह से आप घर का ये हालात करके गए? दुश्मनी निभा रहे हैं क्योंकि इसकी शादी पहले उसके साथ हुई थी ना, इसने छोड़ दिया था, मेरे साथ मंगनी हुई हुई थी, तो इन्होंने छोड़ दिया था। अब्बू ने रिश्ता किया था वहाँ, फिर मेरी शादी हुई, इन्होंने उनको छोड़ दिया था, वो दोबारा उसने उसके साथ निकाह कर लिया, अपने बंदे के साथ भी निकाह किया हुआ है और दूसरे बंदे के साथ भी निकाह किया हुआ है इसने, वो दो दो आदमियों के साथ रह रही है बगैर इज्जत की, वो दुश्मनी निकाल रही है, वो औरत गलत काम मतलब आपके शोहर की पहली बीवी जो थी उन्होंने ये सब कुछ करवाया, वो गलत काम करती है, जरा सफीम भेजती है, और उसने मेरा गरीब माँ बाप है, मेरा अब्बू भी फोत हुआ है, तो उन्होंने मेरा 4 तोला सोना है ना यहाँ से तोड़ के निकाल लिया है। चाबी हम यही रखी हुई थी, चाबी भी उसके चूड़ियों के डब्बे के अंदर रखी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं लेकर गई, पर उन्होंने मेरे पीछे ये हाल किया। मैंने अभी आना नहीं था, लेकिन मैं ये हाल देख कर ना दोबारा मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा मुझे बताएं कि दुश्मनी किस बुनियाद पे थी, क्या वजह थी कि आपने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने ऐसी दुश्मनी क्या निभाई कि आपके घर का ये हालात कर दिए? मैडम उसकी ना उसके साथ सेटिंग हो गई थी मेरे बाद, ठीक है, वो मेरे साथ जब का लगता है 3-4 साल हो गए तकरीबन, पहले भी मुझे उसने 2 दफा पकड़वाया, 2 दफा पहले भी उसने मुझे पकड़वाया पुलिस वाले साहब। पहली बीवी ने जिनको छोड़ दिया? हाँ जी, उसके नहीं, वो अमजद है जो उसका जो साथ आया पुलिस के, ठीक है, अयूब है उसका नाम और बाबर और उसका अमजद है, ठीक है, ये दोनों जने मिलके पुलिस के साथ मंशियात भी भेजते हैं और हमारे साथ उन्होंने ये डिगेटी भी हमारे साथ की है। मतलब नाजरीन वाजिया जो है पता चल रहा है कि इनकी जो एक्स वाइफ थी उन्होंने अपने लवर के साथ कह सकते हैं या हस्बैंड के साथ कह सकते हैं उनको साथ मुलव्वज किया, पुलिस को साथ मुलव्वज किया और घर का ये हाल किया है कि दुश्मनी निभाते हुए जो है इनकी दूसरी बीवी का जितना भी सामान था सारा तोड़ फोड़ के रख। जी नाजरीन घर के हालात आप देख सकते हैं, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।